चलते हैं आशीष के पास आज के टॉप 10 समझने के लिए। आशीष ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू। आज थर्सडे के टॉप 10, भाई पहला HDFC बैंक। हालांकि बाजार को पता था, आवाज ने बता रखा था, MSCI में आउटकम आ गया, लेकिन वेटेज और बढ़ा दिया गया है। इनफ्लोज आएंगे आने वाले दिन, अभी नहीं लेकिन आज रडार पे। तीन निफ्टी के नंबर्स पे रिएक्ट करना है। पहला है टाटा स्टील, अच्छे नंबर्स, एस्टिमेट से बेहतर, इंडिया बिजनेस अच्छा मोमेंटम ड्राइव कर रहा है। दूसरा है, मतलब इस कड़ी में तीसरा स्टॉक हो जाता है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स, मार्जिन परफॉर्मेंस हो, मुनाफे के आंकड़े हो, बाजार उम्मीद से बेहतर है और सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। चौथा स्टॉक है पावर ग्रिड, ये भी निफ्टी का नंबर जिस पे रिएक्ट करना है हमको। फीके नंबर्स हैं और एस्टिमेट से भी कमजोर है, तो इसको भी रडार पे रख लीजिएगा। अब उसके बाद लेकर आइए स्क्रीन पे हिंडाल्को। हिंडाल्को इसलिए रडार पे रखा है मैंने क्योंकि इसी के आम नॉवलिस के नंबर्स आए जो कमजोर दिख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस को छठे पायदान पर रख दिया, वो इसीलिए क्योंकि आज एक एडजस्टमेंट प्लेआउट होना है, एक्स डिविडेंड होना है 22 रुपए का। गुजरात गैस वायदा का रिजल्ट एक, जो शायद वॉल्यूम्स ठंडे थे पर ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। JSPL इनलाइन परफॉर्मेंस है, इसका भी इंडिया बिजनेस, खैर ये तो लार्जली इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है, इंडिया बिजनेस इसका भी मोमेंटम ड्राइव कर रहा है। चंबल फर्टिलाइजर वायदा का नंबर 9th पायदान पर रखा है, अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला है। और फाइनली हिंदुस्तान जिंक, जिसके OFS का आज डे 2 है, आज रिटेल पार्टिसिपेशन का दिन, कल अच्छे खासे दबाव के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और रख देता हूं स्क्रीन पे वैसे आज आने वाले रिजल्ट्स भी, 2 निफ्टी और 9 वायदा बाजार के रिजल्ट्स पे हमें आज उनका इंतजार करना है।